वो वीडियो बंद हो गया था, ठीक है। क्यों बंद हो गया? क्योंकि लाइट ही चला गया था, ठीक है। कोई बात नहीं, चलो हम पूरा करेंगे इसको। उसमें भी क्या बताए थे हम? उसमें बताए थे ये दर्पण को क्या करते हैं, हम दर्पण को स्थिर रखते हैं। क्या करते हैं? दर्पण को स्थिर रखते हैं। अब ध्यान देना, हम करेंगे क्या, हम अब जो दर्पण है ना, दर्पण को चलाएंगे। अब ये जो वस्तु है ना, वस्तु वस्तु को रखेंगे स्थिर। क्या रखेंगे? वस्तु को क्या रखेंगे? स्थिर रखेंगे, ठीक है। वस्तु को क्या रखेंगे? स्थिर रखेंगे। अब वस्तु को स्थिर रखेंगे, ठीक। अब दर्पणमा को चलाएंगे। ध्यान देना, ये हम स्थिर हैं। अब ये ऐनमा है ना, अब ध्यान देना, इसमें चिन्ह भी बदलाएगा, ठीक। ये चिन्ह होगा ऐसे, क्या होगा? ऐसे होगा, ठीक। अब ध्यान देना, ये जो दर्पण है ना, दर्पण अब इसी वस्तु है, हम वस्तु हैं, दोनों ऐसे उल्टा मुड़ करके चल रहे हैं। तो इसको जब हम ऐसे लिए चलेंगे ना, तो जो ये प्रतिबिंब है, अब ध्यान देना, अब प्रतिबिंब की बात हो रही है। किसकी बात? अब प्रतिबिंब की बात हो रही है। तो ध्यान देना, जब वस्तु को दिख रहा है ना, जब वस्तु को स्थिर रखते हैं, कहाँ पे? जब वस्तु को स्थिर रखते हैं, जब वस्तु को स्थिर रखते हैं, ठीक। किसके? जब वस्तु को स्थिर रखेंगे तो जो दर्पण होगा, वस्तु को स्थिर रखेंगे और दर्पण को वस्तु की ओर, दर्पण को वस्तु की ओर चलाएंगे, वस्तु की ओर चलाएंगे, तो जो प्रतिबिंब होगा, तो प्रतिबिंब 2u कितने से, कितने वेग से? 2u वेग से, 2u वेग से चलेगा, 2u वेग से चलेगा। क्लियर हुआ ना ये वाला? क्लियर हुआ? वो वीडियो इसलिए कट गया क्योंकि लाइट ही कट गई यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जाता है। कोई दिक्कत? ध्यान देना, ये चिन्ह देख लेना, चिन्ह। अब जो दर्पण है, दर्पण किसमें है? गति में है। किसमें है? उस समय क्या था? दर्पण को स्थिर रखे थे, ठीक ना। और चलो आज का लास्ट पार्ट क्या है, मिटाते हैं। लिख लिया ना? लिख लेना, ठीक है, इंपोर्टेंट है। आगे ध्यान देना, एक नोट लिखा देते हैं, वो नोट क्या है, इसको डाल देना गोल्डन पॉइंट में, और एग्जाम में नहीं आएगा तो हमको बता देना, ठीक है। एक एच ऊंचाई के व्यक्ति को, एक एच ऊंचाई के व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब, अपना पूर्ण प्रतिबिंब दिखने के लिए, दिखने या देखने के लिए, देखने के लिए उसकी ऊंचाई h/2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? h/2। समझना, यदि 20 सेंटीमीटर का कोई एक आदमी है, उसे अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखना है, तो उसकी ऊंचाई कितनी करनी पड़ेगी? 10। यदि 40 है तब 20, 20 है तब 10, 10 है तब 5, 50 है तब 25, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। शायद क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और कल से चलेंगे हम किस में, पता है? ये दर्पण खत्म हो गया, अब चलेंगे गोलीय दर्पण में। किस में? गोलीय दर्पण में। और जो बच्चा नहीं पढ़ा है, वो शुरू से प्लेलिस्ट बना हुआ निकला से वीडियो, उसको जरूर देख लेना। और नोट्स तो बनाना बिल्कुल भी ना भूलना, और रिविजन करते रहना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, मिलते हैं कल।